न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो घोषणा हुई है बीजेपी की तरफ से कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि अभियुक्त है एक केस में, टेरर केस में, उसको टिकट दिया जा रहा है भोपाल से पार्लियामेंट की चुनाव लड़ने के लिए। हमारे साथ है उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार। उर्मिलेश, ये एक नई चीज़ है कि टेररिस्ट अभी भी चार्ज्ड टेररिस्ट है, केस चल रही है। 2015 में NIA में चाहा था कि चार्जेस ड्रॉप कर दी जाए, ट्रायल कोर्ट ने माना नहीं, कहा कि नहीं, उनके मोटरसाइकिल वहाँ मिला है और जो प्रमाण है, जो चार्जेस है उसको देखते हुए इनको हम इस केस से अलग नहीं कर सकते। ट्रायल कोर्ट ने इनकार कर दिया था चार्ज ड्रॉप करने के लिए। पहली बार है इस चार्ज टेररिस्ट एक हिसाब से उसको आप टिकट दे रहे हो भोपाल में। प्रवीर देखिए, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी की यात्रा या इसके पहले जनसंघ की जो राजनीतिक यात्रा है, तो उसमें जो सांप्रदायिक जो दंगे होते थे या सांप्रदायिक जो हिंसा होती थी, उसके बहुत सारे ऐसे एक्यूज्ड हैं जिनको पहले भी पार्टी ने, जनसंघ ने और बीजेपी दोनों ने टिकट दिए हैं। ये मतलब आपराधिक जो गतिविधियां हैं, सांप्रदायिक गतिविधियां, उन पर जरूर टिकट दिए हैं पहले। लेकिन बाद के दिनों में हमने देखा कि जो इस फॉर्मेशन, इस तरह की जो राजनीतिक दलबंदियां हैं, चाहे वो जनसंघ के रूप में आई हों सामने या बीजेपी के रूप में सामने आई हों, तो इसमें भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप इमर्ज करने लगी, जो दूसरे कारणों से कई बार उन पर आरोप लगते थे, जो कम्युनल क्रिमिनल आरोप भी होते थे, कॉन्स्पिरेसी के भी आरोप होते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक राजनीतिक उनकी एक हैसियत होती थी समाज में। उनको लगता था कि भई ये राजनेता हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लालकृष्ण आडवाणी को एक बड़ा राजनेता इस धारा का, राइट विंग का माना गया, लेकिन उन पर भी बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का गंभीर आरोप था। इसके बाद भी वो उप प्रधानमंत्री बने। पर आप एक चीज़ देखें, एक हिसाब से एक मास एक्टिविटी के तहत आप कह सकते हैं मास वायलेंस हो राइट्स, आपका बाबरी मस्जिद इकट्ठा किया आपने, भीड़, कहा कि हमारे इस पर कोई कंट्रोल नहीं था, एक तो ये बात होती है जिस पर कम से कम कह सकते कुछ मुखौटा है कि ये खुद प्लान करके ये इस तरह की अटैक्स नहीं किए। पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे टेररिस्ट एक्टिविटी पे आरोप ही सिर्फ नहीं, बहुत सारे लोग इम्प्लिकेट भी उनको किए हैं। बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में कहा है, असीमानंद उनकी एक ज़माने में उनकी इसके बारे में 42 पेज की एक स्टेटमेंट थी जो उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने दी थी कि उनकी कन्फेशन, जिस पर उन्होंने कहा था हमारी कॉन्स्पिरेसी थी। कैरेवन में उन्होंने इंटरव्यू दिया है बाकायदा इसके बारे में। दूसरे लोगों ने भी इस आरोप लगाया है प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे, और सबसे बड़ी बात उनकी मोटरसाइकिल इसमें इस्तेमाल हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने दूसरे किसी को दिया था जो इस वक्त फरार है, वो इसीलिए हाथ में नहीं आया। पर इन सब देखते हुए कम से कम जिसको कहते एक डिसेंट ये होता है, आप इंतज़ार करें, कोर्ट शायद छुट्टी दे देगी इनको भी, क्योंकि NIA इन केसेस को परसू करने के लिए ख़ास कोई दिलचस्पी नहीं रख रही है। ये भी है, इसके वकील रोहिणी सालवान ने इसके बारे में जिक्र किया है कि NIA ने केस को कमज़ोर करने की कोशिश, मालेगांव ब्लास्ट के केस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, और ये भी कहा है हम इसमें कन्विक्शन नहीं चाहते, केस को वीकेंड करी कन्विक्शन ना हो। तो इसके बाद भी प्रवीण, मैं वहीं आ रहा था कि पहले जो आरोप लगते थे और इसमें एक बुनियादी फ़र्क है। दरअसल मैं वहीं से प्रज्ञा सिंह की केस पर आ रहा था कि इस केस में यह है कि ये कोई मास एक्टिविटी से जुड़ा केस नहीं है, ये कोई कम्युनल राइट या इस तरह के मामलों से भी सीधे जुड़ा केस नहीं है। हालांकि इसके पीछे कम्युनल आइडियोलॉजी है और वह बहुत ही सांप्रदायिक निरंकुश वैचारिकी इसके पीछे है, लेकिन ये एक आतंकी केस है, आतंकवाद का मामला है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पूरी की पूरी पलटन है, इस तरह की जो सियासी पलटन है अपने देश में, वो सैकड़ों मुंह से बोलती है, उसके सैकड़ों चेहरे हैं। कोई पॉलिटिकल काम करता है, कोई कल्चरल शो कॉल्ड करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मुझे लगता है कि प्रज्ञा सिंह
की भी अगर आप बैकग्राउंड देखें तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही हैं, उसकी कार्यकारिणी में भी रही हैं, और बाद के दिनों में इनके अपने बयानों को भी अगर आप देखें, जो जो बयान इस इनके होते थे वो बड़े ही भयानक विद्वेष पैदा करने वाले होते थे। तो जब मालेगांव के मामले में बयान हुआ एग्जैक्टली, तो जब मालेगांव वाले में इनका खासकर बाइक और इनकी रिकॉर्डिंग, इनकी बातचीत की जब सामने आई एटीएस के, और एटीएस की जांच में ये सारी चीज़ें इनकी इनको आइडेंटिफाई किया गया, तो ये माना जा रहा था जिस तरह की पड़ताल वो चल रही थी और जिस तरह से केस चल रहा था कि इनका कन्विक्शन होना अवश्यंभावी है, क्योंकि जो गवाह थे ठोस गवाह, इस अपनी सारी जो इविडेंसेस के साथ कोर्ट में अपने बयान दे रहे थे, तो ये माना जाता था। इस बीच में क्या हुआ कि जब सरकार में बदलाव आया तब अचानक आप देखते हैं कि NIA ऐसा लगता है कि वो हड़बड़ी में थी पूरी केस को, इस तरह की अकेली केस नहीं है, असीमानंद का केस ले लीजिए, बहुत सारे ये समझौता, बहुत सारे केसेस को ऐसा लगता है कि NIA को जैसे लगता है कि एक एजेंडा दे दिया गया है कि आपको जितनी इस तरह की केसेज हैं उनका निष्पादन करना है, उनको ख़त्म करना है, उनको आपको बताना है कि पहले पुलिस ने या दूसरी एजेंसी ने जो पड़ताल की है वो बायस थी, वो गलत थी, ज़रूरत पड़े तो तरह तरह से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल एक एजेंसी ने ऐसा किया, लेकिन तरह तरह के एजेंसीज, तरह तरह के तौर तरीक़ों से जो गवाह थे उनको या तो टेररिज किया गया, उनको गायब किया गया, बाहर किया गया, उनको कहा गया कि तुम भाग जाओ, उनको कहा गया कि तुम पलट जाओ बयान अपने बयान से, और इस तरह से एक संगठित अभियान छिड़ा कि कैसे इस तरह के मामलों में जो टेररिस्ट एक्यूज्ड हैं, टेरर एक्यूज्ड हैं, उनको कैसे बचाया जाए। और ये जो केस है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का केस, यह उसका सबसे बेहतरीन नमूना है या सबसे बदबूदार नमूना है, जो भी आप कह लीजिए, कि कैसे बचाया जाता है किसी को, ये उसका एक ठोस उदाहरण है। और वही प्रज्ञा सिंह अब ऑल ऑफ सडन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, अच्छी बात है कि वहाँ आई हैं चुनाव लड़ने, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उनका ये कहकर स्वागत नहीं किया कि हम जैसे उनकी आदत रही है बहुत बोलने की, उन्होंने कहा कि सुंदर शालीन सभ्य शहर में आपका स्वागत है, व्यंग बहुत सुंदर है कि इस सभ्य शहर में, इस शालीन शहर में आप जैसी जो आई हैं चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी उनका स्वागत है। अब देखिए जनता वहाँ स्वागत कैसे करती है। एक चीज़ आपको और भी याद दिलाना चाहूँगा, इसमें हेमंत करकरे के छवि खराब करने की कोशिश भी NIA ने की है, उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने गलत तरीके से केस चलाया, सबूत निकाला, और यही हेमंत करकरे है जो कि मुंबई अटैक में शहीद हुए। देखिए ये बड़ी अजीब बात है कि हेमंत करकरे जब मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, जब वो अभी शहीद नहीं हुए थे, जब वो वर्किंग ऑफिसर थे और वो अपनी कमान संभाल रहे थे, बहुत यशस्वी थे, उनको काफ़ी प्रसिद्धि और काफ़ी शाबाशी मिलती थी, लेकिन उस वक्त भी जो ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट कैंप है उसका एक बड़ा तबका उनको निशाना पर रखता था, हमेशा उनको गालियां देना, हमेशा उनको बताना कि ये देशद्रोही हैं, हमेशा उनको बताना कि वो हिंदू जो टेरर की जो केसेज हैं तथाकथित, उनको भी वो मुलायम होकर नहीं देखते, ये पता नहीं कैसा हिंदू है, ये हिंदू है कि नहीं है, वगैरह वगैरह, इस तरह के आरोप उन पर लगते थे। और अगर आप महाराष्ट्र के अखबारों को देखें, खासतौर पर मराठी अखबारों को, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने महाराष्ट्र का इलेक्शन एक बार कवर किया था विधानसभा का, और उस वक्त हमको याद है कि बहुत सारी इस तरह की क्लिपिंग्स हमारे पास थी, हमने काट काट कर रखा था कि कैसे हेमंत करकरे के खिलाफ क्या क्या अभियान चलाया गया था। इसलिए जब वो टेररिस्ट हमले में शहीद हुए थे तो बहुत सारे अजीब अजीब तरह के आरोप भी लगे थे, हालांकि मैं उन आरोपों में नहीं जाऊँगा कि उनकी हत्या किसने की, कैसे की, मैं तो मानता हूँ कि टेररिस्ट हमले में वो मारे गए, लेकिन ये सच है कि हेमंत करकरे इस तरह की तमाम केसेस को एक पुलिस ऑफिसर की तरह पड़ताल करते थे, वो बायस्ड होकर नहीं, न तो इधर से न तो उधर से, जिस तरह से एक अफसर को पड़ताल करनी चाहिए उस तरह करते थे, और यही कारण है कि उन पर इल्ज़ाम इस तरह के लग रहे थे। और ये भी है कि बहुत काबिल ऑफिसर थे, क्योंकि इस केस को क्रैक करने में वो सफल रहे, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह की अलग अलग घटनाओं से उन्होंने सबूत निकाला। दूसरी बात, यही ऐसे केसेस थे, मालेगांव
और खास तौर से मक्का मस्जिद अजमेर दरगाह के ब्लास्ट, आपको याद होगा, दोनों में मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था ये कह के एक सेक्टेरियन झगड़ा है, कुछ मुस्लिम टेररिस्ट दूसरे मुस्लिम कौम को अटैक करना चाहती है, और बाद में इसी असल कहानी सामने आई, असल कहानी सामने, और उसमें भी देखिए जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम उसमें भी लिया गया था, लेकिन उनके ऊपर आरोप पत्र नहीं दाखिल हुए, वो फाइनली चार्ज नहीं की गई, ठोस सबूत नहीं मिला। जी, हाँ। बात आई पर ठोस सबूत नहीं मिला, पर जिनके नाम थे कॉमन नाम थे, और असीमानंद की जो कन्फेशन है उसमें भी साफ, और कैरेवन की जो स्टेटमेंट है साफ है, उन्होंने कहा कि ये चार घटना हमने इकट्ठा बैठ के निर्णय करके हमने किया था, अब वो अलग। और इसे ये भी लगता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, असीमानंद, ये सब कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे, और इनको ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था इस तरह के जहाँ जहाँ होते थे, इसके पीछे कोई बड़ा एक हाथ था या एक बड़ा कोई सांगठनिक संरचना थी जो इनको समय समय पर मार्गदर्शन करती थी, इनके बचाव में वकीलों को उतारती थी जरूरत पड़ने पर, तो कोई ना कोई बड़ी ताकत इनके पीछे रही है। खैर, उस पर बोलना मुश्किल है, पर यह बात ज़रूर है कि सहानुभूति तो थी, वो तो साफ है, और वो आज वो कैंडिडेट हैं, ये संयोग नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सहानुभूति उनके प्रति थी, ये तो साफ है। और दूसरी बात प्रवीर, मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि अपने देश में चूंकि माहौल को इतना ख़राब कर दिया गया है, सांप्रदायिक विद्वेष से भर गया है माहौल, कि जब कभी कोई राजनीतिक व्यक्ति कहता है कि ये टेररिस्ट है या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल है, तो ये सवाल उठाया जाता है इवन मीडिया में भी कि आप बताइए हिंदू को टेररिस्ट कह रहे हैं, जैसे लगता है कि हिंदू धर्मावलंबी जो है वो कोई आतंकवादी नहीं हो सकता है, इस देश में आतंकवादी अगर कोई हो सकता है तो सिर्फ मुस्लिम हो सकता है। मेरा इस पर ये कहना है कि अगर इस देश में देश के खिलाफ साजिश रचने वाले, जासूसी करने वाले अगर हिंदू धर्मावलंबी हो सकते हैं, मुस्लिम धर्मावलंबी हो सकते हैं, कोई भी धर्म का आदमी हो सकता है, धर्म आदमी की ये पहचान नहीं देता है, धर्म उपासना पद्धति है, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति अपराधी हो सकता है, किसी भी जाति का आदमी निकम्मा और बदमाश और शरारती हो सकता है, इसमें धर्म कहाँ से आता है कि आप कहते हैं कि हिंदू को आप आतंकवादी क्यों कहते हैं? अरे भाई, वो हिंदू नहीं है, वो एक आदमी है, हिंदू उसकी उपासना पद्धति है। तो ये जो आइडेंटिटी, हिंदू आइडेंटिटी दी गई है कुछ लोगों की, मैं समझता हूँ कि ये जानबूझ कर दी गई है कि अरे हिंदू को तो आपने कह दिया, अरे हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस देश की, बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, इतनी ज़्यादा है कि उसके आगे दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो बहुत कम है। और ऐसे में आपका ये सवाल करना लोगों का कि जो हिंदू टेररिस्ट कहेगा उसको हमें 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 उसको बायकॉट करना है, उसको हराना है, इसलिए डर जाते हैं राजनेता कि वो इन शब्दों से परहेज करें। खैर, रायगर को आपने देखा ही है कि वीडियो लेते हुए इंसान को मारते हुए, वो हैवान है, इंसान है वो अलग बात है, पर वो हिंदू तो था। और टेररिस्ट की अगर बात करें तो गोपाल गोडसे का आप क्या कहेंगे? क्या क्या कहेंगे आप? अब नाथुराम गोडसे का आप क्या कहेंगे? नाथुराम गोडसे टेररिस्ट नहीं था, पॉलिटिकल था। और प्रवीर, मैं बताऊँ आपको, हिमानी सावरकर जो गोपाल गोडसे की पुत्री थी और नाथुराम गोडसे की भतीजी लगेंगी, मैंने गोपाल गोडसे का आपको बहुत दिलचस्प बात बताऊं, उनके घर जाकर इंटरव्यू किया, और दैनिक हिंदुस्तान में जो देश का एक बड़ा हिंदी अखबार है उसमें उसमें इंटरव्यू छपा हुआ, उस समय का है, उनके घर जाकर इंटरव्यू किया। हिमानी सावरकर का उनके शनिपेट नाम की गली में जाकर इंटरव्यू किया उनके घर पर। हिमानी सावरकर और गोपाल गोडसे जिस तरह की भाषा बोलते थे, जिस तरह की बातें उन्होंने इंटरव्यू में खुलेआम की, वो कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो वाकई आतंकी दिमाग का है या जो आतंकी है, वैचारिक आतंकी। और आपको बताऊं, गोपाल गोडसे तो प्रैक्टिस में भी, वो बकायदे एक्यूज थे महात्मा गांधी की हत्या के मामले में, और हम सब जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था और उन्होंने क्या क्या किया था उस पूरे मामले में। तो हिमानी सावरकर अभिनव भारत से उनका न केवल जुड़ाव था बल्कि उसकी पदाधिकारी थी अभिनव भारत की, जो भारत की जो इस पे पूरी तरह से शामिल है, जिसकी हम चर्चा और कर रहे हैं। और जिस अभिनव भारत के लोगों को कई तर्क जो 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 व्यक्ति ऐसे लोग हैं खासकर पुणे में या कर्नाटक में या महाराष्ट्र के दूसरे हलकों में जिनकी हत्याएं हुई, जिनको निशाना साधा गया, उसमें इस तरह के संगठनों का हाथ बताया जाता है, केसेज अभी चल रही हैं।
लास्ट पॉइंट पे आप आना चाहता हूँ कि ये जो अब इस वक्त बीजेपी की ख़ास एक रुझान है, जो कि जितना एक्सट्रीम कॉम्युनल बात कहे, जिसको आतंकी बात भी कह सकते हैं, उसको टिकट देना, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, उन पर केसेस थे पहले, ऐसे बातें कहना कि मुर्दे लाश को निकाल के उनके साथ बदसलूक किया जाए, इसके बाद तेजेंद्र सिंह बग्गा जो प्रशांत भूषण पर हमले के किए थे, उनको उन्होंने प्रवक्ता बनाया दिल्ली में। तो ये एक क्या ये लग रहा है कि आप ऐसे काम करेंगे जिस कहीं ना कहीं वायलेंस से जुड़ा हो, ये तो वायलेंट वक्तव्य हो, ये तो वायलेंट एक्ट हो, और इस ये एक सीढ़ी है बीजेपी में इस वक्त शिखर में चढ़ने का। बिल्कुल, और ये ताज्जुब की बात है कि ये वो पार्टी कर रही है जिसने 2013-14 में विकास के नाम पर वोट मांगा और बताया कि वो इसके तीन एजेंडा है, भ्रष्टाचार खत्म करना, विकास लाना और काला धन वापस देना लोगों को जो यहाँ से चला गया है। और वो पार्टी उस वक्त भी खैर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया था, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया था, साक्षी महाराज तब भी चुनाव जीते थे। लेकिन ये एक अजीब ट्रेंड है कि खूंखार किस्म के अपराधों में लिप्त जो माने जा रहे हैं या एक्यूज्ड हैं, उनके लिए इंतज़ार तक नहीं किया जाता है कि कोर्ट की केसेस सेटल हो जाएं, वो अगर वाकई बाइज्जत रिहा हो जाते हैं तब टिकट देने की बात सामने आती तो एक माना जाता कि चलो जी विवादास्पद उनका बैकग्राउंड है लेकिन फिर भी अब उन पर कोर्ट का केस नहीं है इसलिए टिकट दिया गया। लेकिन केसेस चल रही हैं और जिस जमानत पर वो रिहा की गई हैं सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो है कि अच्छा इलाज कराने के लिए वो बाहर आई हैं। अब हमारा ये कहना है, बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं देश के सियासतदान, कि अच्छा इलाज नहीं हो रहा था वहाँ, आपको जमानत इस आधार पर मिली है, तो अगर आप वाकई बहुत गंभीर रूप से बीमार थीं और जेल के अस्पताल में संभव नहीं था या सरकारी अस्पताल में संभव नहीं था कि आप बाहर आएँ तब आपका अच्छा इलाज होगा, तो क्या चुनाव लड़ने के लिए आप अचानक स्वस्थ हो गई? क्योंकि चुनाव में बहुत मेहनत चाहिए, चुनाव में बहुत धन भी चाहिए, तो सब कुछ आपने अरेंज कर लिया है, यही साबित करता है कि जो जमानत का आधार है वो पोपला है, जमानत का जो आधार है वो बहुत ही कमज़ोर है या वो सही नहीं है। यह तो चुनाव बहुत अच्छा इलाज है। अच्छा, इस बार लेकिन इसका एक खतरा है प्रवीर, वो भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये अजीब बात है कि कोई ताकतवर संगठन जिसके पास कल्पना कीजिए कि लोगों को भुलवा कर, लोगों को धोखे में डालकर, लोगों पर तमाम तरह के प्रलोभन देकर, ऐसे लोगों को, ऐसे करेक्टर्स को अगर कोई, खुदा न खास्ता मैं कह रहा हूँ, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, कि चुनाव जिताकर आप कह सकते हैं कि देखिए जी उन पर जो आपराधिक आरोप थे जनता की अदालत में फैसला हो गया, जनता पक्ष में आ गई। मुझे लगता है कि ये न्याय की आधारशिला को न केवल चुनौती देना है बल्कि डेमोक्रेसी को डिस्टॉर्ट करना है। खैर, गुजरात के चुनाव, गुजरात रायट्स के बाद इसी तरह इस्तेमाल किया गया था। आपको याद होगा, कहा कि मोदी जी चुनाव जीत गए हैं, इसका मतलब वो जनता ने उनको स्वीकार कर लिया और इसी तरह कुछ कोई मामला नहीं बना और गलती कुछ हुई नहीं, इसीलिए ये भी हो गया कि चुनाव जीतने पर सब साथ खून माफ हो जाता, ये वाला किस्सा हो गया। और चलते चलते एक बात कहूँगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये कैसा सफ़र है, आडवाणी, मोदी जी, जोगी जी और सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये कैसा सफ़र है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाता है और कहाँ जा रही है। ये जो नाम है आप बारी बारी से लीजिए और जिस पायदान पर हम आते हैं, खड़ा होते हैं भोपाल में, वो कितना अजीब मंजर है। थैंक यू उर्मिलेश हमारे साथ होने के लिए आज, और इन गंभीर मसलों पर चिंता व्यक्त करने के लिए, खास तौर से हम किस दिशा पे जा रहे हैं। न्यूज़ क्लिक पे आज इतना ही, देखते रहिएगा न्यूज़ क्लिक।